हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो क्लास टेंथ का टॉपिक है ना, वो बहुत रोचक और शानदार है। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेंथ वाले बच्चे ही उसको देखें, कोई भी पर्सन आज का वीडियो देख सकता है। जिसके मन में ये क्यूरियोसिटी आती हो कि ये जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, या जो हमारे पास बादल होते हैं वो वाइट क्यों दिखाई देते हैं, क्लाउड वाई क्लाउड appears to white, या बच्चों जो सनसेट और सनराइज, जब सूरज उगता है या जब सूरज छिपता है उस समय सन रेड क्यों दिखाई देता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की वीडियो में मिलने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि इस वीडियो को सिर्फ टेंथ के ही बच्चे देखें, वो भी देख सकते हैं जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बस ये क्यूरियोसिटी माइंड में होनी चाहिए कि ये जो चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंथ के हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, क्या है आज का टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों, अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग देखें, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो हम कह सकते हैं लाइट का स्प्रेड आउट होना, लाइट का फैलना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पार्टिकल है, एक ओरली समझा रहे हैं, यहां से लाइट आई और इससे टकरा करके ये लाइट चारों डायरेक्शन में फैल गई, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये किस वजह से होती है, क्या कारण है, रेलेज रूल क्या है, वो सभी चीजें हम आज जानने वाले हैं। काफी अच्छे एग्जांपल से भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज स्कैटरिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द फिनोमिनन, द फिनोमिनन इन विच लाइट इज स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये किसके कारण चारों दिशाओं में फैलती है बच्चों, किसी भी पार्टिकल पर टकराने के कारण, किसी भी पार्टिकल पर कोलाइड होने के कारण, ड्यू टू द रीजन ऑफ कोलिजन ऑफ पार्ट कोलिजन विद पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बच्चों इसके डेफिनेशन है। चलिए कि एक एग्जांपल से स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। आप क्या करें, अपने घर पे भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। एक गिलास लीजिए और ठीक है बच्चों, क्या लेना है आपको, एक गिलास लीजिएगा, कांच का गिलास होना चाहिए, स्टील का नहीं, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों पानी भर लीजिएगा, अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही भरना है। और यह जरूरी नहीं है कि आप कांच का गिलास लो, प्लास्टिक की कोई बोतल ले लेना, जो कैसी हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, देखो इस तरह से इसमें पानी बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेजर लाइट लेनी है, लेजर लाइट से यहां इस पर डालेंगे लाइट। तो क्या होता है, मैं फिगर के जरिए समझाता हूं। तो बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप यहां से इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो आपको इस लाइट का पाथ इस वाटर के अंदर दिखाई नहीं देगा, ठीक। अब जैसे ही आप इसके अंदर, बुक्स में मिल्क लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है मिल्क डालो, आप कोई कलर भी डाल दो, क्योंकि कलर के भी अगर जो भी आप इसमें कलर मिलाओगे उसके जरिए भी छोटे छोटे पार्टिकल इसमें मिक्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसमें कलर मिलाएंगे या आप मिल्क मिला दो, ठीक, तो क्या होगा, ये थोड़ा डेंस हो जाता है, अब इसके अंदर से जो लाइट जाएगी वो आपको दिखाई देगी, जो लाइट ये थी उसकी एक लाइन सी दिखाई देगी बच्चों, जरूरी नहीं है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना, लेकिन हाँ दिखाई जरूर देगी। अगर आपको दिखाई ना दे तो जो लेजर लाइट होगी ना उसको थोड़ा ऐसे ऐसे करना, वो जो लाइन होगी थोड़ा ऐसे ऐसे आपको करते हुए दिखाई देगी आपको। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने पानी लिया, पानी में तो इसकी लाइट अंदर से जाती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर कलर डाल दिया तो हमें ये लाइट इस पानी के अंदर से जाती हुई क्यों दिखाई दी, इसके पीछे क्या कारण बच्चों, होता क्या है, देखो जो हमारी स्कैटरिंग होती है, जो हमारी स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ पार्टिकल की। कौन सा पार्टिकल, जिससे लाइट टकरा रही हो, जिससे लाइट कोलाइड कर रही हो, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, इतनी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, अगर एक प्रॉपर साइज से साइज की वैल्यू ऊपर हो जाती है बच्चों, वहां फिर हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं मिलती है। तो इसके लिए बच्चों पार्टिकल का साइज एक मॉडरेट साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉडरेट साइज, और वो साइज बच्चों 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लगा करके 1000 नैनोमीटर के आसपास, इससे तो बड़ा होना चाहिए पार्टिकल का साइज, और 1000 से छोटा होना चाहिए। और बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो साइज होता है वो 2.2 के एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, और ये जो वैल्यू निकल करके आती है ये कहीं 1 या 10 इस तरह के नैनोमीटर के आसपास आती है इस वैल्यू के। अब जब ये इस वैल्यू के एग्जैक्ट आती है तो यहाँ स्कैटरिंग तो होगी, स्कैटरिंग तो होगी, लेकिन इतनी कम होती है कि उसकी लाइन हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने क्या डाला इसमें, मिल्क डाल दिया या कोई कलर ऐसा मिला दिया, तो बच्चों उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके साइज इससे 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, जो मोस्टली तो मिल्क में करना है, ठीक है ना। जब आप मिल्क में करोगे बच्चों तो आपको इसकी जो लाइन है वो दिखाई देगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी मिल्क मिलाते ही दिखाई देने लगती है। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि वो लाइन दिखाई आखिर कैसे देती है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं, मैं जो मैकेनिज्म है वो समझाने की आप लोग कोशिश करता हूं। बच्चों मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, वाटर था, और इसके अंदर हमने जो मिल्क मिलाया उसके पार्टिकल ये हैं, ठीक है ना। इस तरह से काफी इसमें सारी जगह फैले पड़े हैं, सभी बनाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों जब पहले ये इसके अंदर मिल्क नहीं मिलाया था तो लाइट आ रही थी बिना टकराए, बिना टकराए किसी पार्टिकल से सीधी निकल गई, और जब ये लाइट बिल्कुल सीधी निकल गई तो हमें दिखाई नहीं दी। सेकंड फिनोमिनन क्या हुआ, जब हमने इसके अंदर मिल्क मिलाया प्यारे बच्चों, तो जैसे ही लाइट आई किससे टकराई,
जो मिल्क के पार्टिकल थे उससे टकराए। अब इससे टकरा करके ये इसके चारों ओर फैल गई, समझ में आ रही है? देखो चारों ओर फैल गई। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल लाइट आ रही है, इसके बिल्कुल बराबर में को भी दूसरी रे आएगी, बात समझ रहे हो? वो बिल्कुल जस्ट इसके यहां जो पार्टिकल है उससे टकराई तब फैल गई, फिर तीसरी बिल्कुल इसके जस्ट वाले से आकर के टकराई फैल गई, फिर चौथे, ऐसे लगातार होता चला गया और लाइट का स्प्रिट आउट हो गई यहां पर। तो जो लाइट बिल्कुल सीधे निकल रही थी वो चारों दिशाओं में फैल रही है। जब ये चारों दिशाओं में फैल जाती है देखो तो हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी इसका पाथ, तब दिखाई देगा बिल्कुल। ये मान लीजिए पार्टिकल है अपने पास, लाइट आई ऐसे और ये टकराई इधर, कुछ वापिस चली गई और ये दिखाई दी। सेकेंड आई इस तरह से टकराई ये, फिर ये, ये जो बच्चों बुक्स में दिया है ना, बुक्स में ये दिया है कि ये सिंगल लाइट ही आई और यही ऐसे टकराई, यही टकराई अगले से, फिर यही टकराई, टकराई इससे आने वाली। जबकि क्या आप खुद सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रे आई, ये तो टकरा करके इधर उधर फैलेगी और वापिस चली जाएगी, इससे आगे थोड़े ना टकराएगी, बात समझ रहे हो? रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये होता है जो हमारी बीम होती है, बीम के अंदर बहुत सारी रे होती है, एक ही बीम के अंदर देखो कितनी सारी रे से मिल करके वो बनी होती है। तो एक रे यहां इस पर, एक रे, दो रे, तीन रे, जितनी भी टकराई वो फैल गई बराबर से जाने वाली बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर। और बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पाथ ऐसे आया तो टेढ़ा होकर के जाएगा, कभी ये माइंड में आने लगे नहीं, क्योंकि बच्चों साइज जो पार्टिकल का होता है वो इतना छोटा होता है, देखो नैनोमीटर में है, नैनोमीटर का मतलब है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास, इस तरह से, इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो आपको जो लाइट भी होती है ना देखो ऐसे ही दिखाई देती है वो, अगर आपने देखा हो तो लाइट ऐसे ही, अगर आप जब देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करना ठीक है ना, ये कोई इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, घर पे भी कर सकते हैं, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है ना? तो ये फिनोमिनन क्या है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस तरह से होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं आपको। सबसे पहले तो स्कैटरिंग ये वाला ही आ जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलाइडिंग, साइज ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल। नेक्स्ट, साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी मॉडरेट, और मॉडरेट कितना, मॉडरेट साइज शुड बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक्चुअली रेलेज ने, एक साइंटिस्ट हुए रेलेज, उन्होंने रियलिटी से समझाया, मेन तो उन्होंने समझाया था कि स्कैटरिंग कैसे होती है। कैसे समझाया बच्चों, जो हमारी लाइट आती है सूरज से उसमें 7 के 7 कलर होते हैं, ठीक है ना? अब हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारी गैस भी है, बहुत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो ऊपर सन से लाइट आई, सन के अंदर कितने कलर होते हैं, 7, कितने कलर होते हैं, 7, कौन से, विब ग्योर के रूप में हम उनको जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बच्चों जब उसे 7 के 7 कलर आते हैं, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उससे टकराते हैं, तो टकराने के बाद जो बच्चों ये ब्लू कलर होता है,
ये जो ब्लू कलर होता है ये चारों दिशाओं में फैल जाता है, समझ रहे हो? अगर ये जब ये चारों दिशाओं में ब्लू कलर फैल जाता है तब ही हमको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। अगर ये फिनोमिनन ना होता ना प्यारे बच्चों तो हमें स्काई डार्क दिखाई देता, काला दिखाई देता। जैसे जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसको जो अर्थ को छोड़ करके अर्थ चमकती हुई दिखाई देगी, सन चमकता हुआ दिखाई देगा, मून चमकता हुआ दिखाई देगा, अदर देन टोटल डार्क दिखाई देता, वहां ब्लू नहीं दिखाई देता। यहाँ ब्लू क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे रीजन बच्चों यही है कि हमारे यहाँ चारों ओर क्या है, एनवायरमेंट है जिसमें गैसेज हैं, उससे सूरज से आने वाला जो प्रकाश है वो टकराता है और सूरज की लाइट में बच्चों 7 कलर होते हैं और जो सबसे ज्यादा स्प्रेड आउट होता है वो कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। तो इसीलिए हमें क्या से दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो लेकिन ऐसा क्या होता है कि ब्लू कलर ही चारों तरफ स्प्रेड आउट होता है और नहीं होते? ये बताया था हमें रेलेज ने, साइंटिस्ट थे, काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला रेले सेड दैट, या ऐसे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रेले, अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट मीन्स अगर हम यहां से लिखे बच्चों तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्कैटरिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्कैटरिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब होता क्या है बच्चों, चलिए इसको समझते हैं। देखो हमारे पास कितने कलर हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है? हमें ये पता है कि इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वेवलेंथ क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी प्यारे बच्चों, वायलेट की, फिर उसके बाद इंडिगो की इससे ज्यादा होती है, ब्लू की इससे ज्यादा होती है। अब यहां ये क्वेश्चन अराइज होता है सर कि जब सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट सबसे ज्यादा चारों ओर फैलेगी या सबसे ज्यादा चारों ओर स्प्रेड आउट होगी तो वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं हो रहे हैं, ब्लू क्यों? बच्चों इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है कि जो सन होता है उससे जो ये 7 के 7 कलर आते हैं, 7 के 7 कलर प्यारे बच्चों सेम क्वांटिटी में नहीं आते हैं। उनमें जो बच्चों मैक्सिमम मात्रा होती है वो ब्लू की, किसकी होती है, ब्लू की, ग्रीन की और रेड की, ये 3 उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में पाए जाते हैं। या कहें तो सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से कलर की होती है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है? और जो सबसे कम होती है प्यारे बच्चों वो होता है हमारे पास इंडिगो और वायलेट। और जब हमारे पास आने वाले लाइट में वायलेट और इंडिगो कलर ही सबसे कम होंगे तो वो कहां से फैल पाएंगे चारों ओर, तो कौन फैलेंगे प्यारे बच्चों, ब्लू फैलता है। फैल कौन सा सकता था, रेड भी सकता था, बट अकॉर्डिंग टू रेलेज जो स्कैटरिंग होगी वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी प्यारे बच्चों वो उतना ही ज्यादा स्प्रेड आउट होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों क्या होता है, ब्लू कलर स्प्रेड आउट होता है। बात समझ में आई?
एक्चुअली बच्चों जो रिलेज ने दिया था ना एग्जैक्टली ये नहीं बोला था, ये तो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक्चुअली तो रिलेज ने क्या बोला था कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो हमारे पास लाइट की वेवलेंथ है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा टू द पावर 4, ये बोला था रिलेज में, ठीक है ना। और यहां इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी एक तरह से बच्चों आप फिजिकल मीनिंग में समझ सकते हैं चमक। जो देखो अब यहां से आप सोचो कि किस में कितनी ज्यादा चमक होगी, जो जितनी ज्यादा स्प्रेड आउट होगी उसमें उतनी ज्यादा चमक होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो हमारे पास लाइट है जो जितनी ज्यादा स्कैटर्ड होगी उसकी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो यहां से जो स्कैटर्ड वाला फिनोमिनल लिया ना, इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को स्कैटर क्या मान लिया, स्कैटरिंग मान लिया, ठीक है ना। और वेवलेंथ का कांसेप्ट यहां से उठा लिया, तो सिंपल सा फार्मूला ना, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बट अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं आपको देखने को मिला और वेवलेंथ की जगह प्यारे बच्चों उसने क्या दिया हुआ, 1/λ^4 या वेवलेंथ की पावर 4, तो करेक्ट क्या है ये, या इसको क्या लिख सकते हैं, स्कैटरिंग लिख दो इसके नीचे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट विद पावर 4, ठीक है प्यारे बच्चों। ये भी तो यहाँ दो इंसेप्ट, जो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, पहला तो है जो पार्टिकल का साइज है वो मॉडरेट होना चाहिए, ना तो ज्यादा छोटा हो ना ही ज्यादा बड़ा हो। सेकंड क्या प्यारे बच्चों, जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए ब्लू कलर दिखाई देता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ से और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, एक एक करके मैं लिखूंगा और डिस्कस करते हम चले जाएंगे। आई होप बच्चों आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गई होगी। अब जो भी आप इसकी फिगर बनाना चाहें, चाहे तो आप अपने आप से बना लें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बच्चों ये ग्लास वाली फिगर बना लें ऐसी, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल दिखा देना, यहां से लाइट डालो, ये इससे टकराई पहले तो यहां इसको चारों तरफ ऐसे फैला दो, फिर इससे टकराई इसको फैला दो, ठीक है। दो फिगर बना देना, एक तो ग्लास में क्या होगा, विदाउट मिल्क में जब आप बनाएंगे, देखो बच्चों यहां बोर्ड पर मैं स्केल का तो यूज नहीं कर सकता, और अगर मैं इनको अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बात समझ रहे हो। लेकिन मैं कुछ बच्चों की जब कॉपी चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ये उनमें मेजर मिस्टेक्स मिलती है कि वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने बनाया हुआ है टेढ़ा तिरछा मिर्चा ऐसे ही बना दिया उन्होंने। बच्चों मेरी तो प्रॉब्लम है ये, बात समझ रहे हो, लेकिन मुझे भी सुधारनी चाहिए। अब मैं सुधारूँ तो, बट कब, जब मेरे पास समय हो। अब वीडियो छोटी से छोटी होनी चाहिए ताकि छोटे समय में मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। उसके लिए समय नहीं होता, नहीं तो फिगर तो बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। दूसरे वाले ग्लास, इसके अंदर प्यारे बच्चों खाली पानी बना देना और यहां से लाइट आई, बस आई और सीधी निकल गई, दिखाई नहीं देगी, यहां दिखाई मत देना, पानी के अंदर ऐसे आई बिना देखे दूसरी साइड चमकेगी। आप जब लाइट को किसी जो बोतल में पानी होता है ना प्यारे बच्चों, जब उस पर देखो, मैं आपको दिखाता भी हूं, आप इधर से लाइट मारेंगे ना, इस पर इधर से लाइट डालेंगे तो होगा क्या, आपको वो लाइट लाइन के रूप में ना दिखाई दे करके दूसरी साइड डॉट दिखाई देगा, एक मतलब बीच में लाइट का पाथ नहीं दिख रहा, उसकी इमेज बन रही है दूसरी साइड में, बात समझ रहे हो। जैसे इसके अंदर मिल्क मिलाएंगे एक डार्क सी लाइन आपको सीधी दिखाई देगी। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट बच्चों, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत सिंपल और सरल भी है, तो ऐसे आप बना सकते हैं, या आपकी जो बुक में फिगर दी गई है एनसीईआरटी में वो भी आप बना सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे बनाइए, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या रहा, ठीक है ना।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले व्हाई स्काई अपीयर टू ब्लू, ठीक है ना, स्काई जो है मैं ब्लू को दिखाई देता है, इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है, ठीक है ना, स्वयं करेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड, व्हाई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन अपीयर सन सराउंडिंग सन सराउंडिंग स्काई अपीयर टू अप्रोक्स रेड। आपने देखा होगा जब सन छुपता है, छिपता है या अस्त होता है, उगता है, या सन सेट जब होता है, सन राइज जब होता है, तब क्या होता है प्यारे बच्चों, सुबह के समय देखना जैसे ही सूरज उगे वो रेड सा दिखाई देगा आपको, वो भी रेड सा दिखाई देगा, उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट या जो स्काई है, जो आसमान उसके चारों ओर का होता है, वो भी आपको रेड सा दिखाई देता है। जब सूरज छुपता है, सनसेट होता है, तब भी उसके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट होता है या स्काई होता है प्यारे बच्चों, वो रेड सा दिखाई देता है। व्हाई? इसके पीछे बच्चों ध्यान से सुनना, रीजन क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है अकॉर्डिंग टू रेलेज कि स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। अब बच्चों ध्यान से देखो कि जिस पार्टिकल की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, सोचो जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो हमें उतनी ही दूर से दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कोई भी चीज हमें कब दिखाई दे सकती है ज्यादा, जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब वेवलेंथ ज्यादा होने का क्या मतलब है, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट है, ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारे कलर हैं, एक रेड भी है, ठीक। जो और कलर थे उनकी वेवलेंथ कम थी, वो यहां टकराए, कोलाइड करे इनके साथ और यहां स्प्रेड आउट हो गए, आगे तक चले, और ज्यादा स्प्रेड आउट हुए, आगे तक चले, लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, उसका क्या हो रहा है, उसकी स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है। बात समझ रहे हो, उसकी स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, वो अगर हो भी रही है तो बहुत कम। इससे पहले जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, तो बच्चों मेरी आंख तक पहुंचने से पहले सारे के सारे कलर की स्कैटरिंग हो चुकी थी, और सिर्फ कौन सा कलर मेरी आंख तक पहुंचा, रेड कलर। बात समझ में आए? और तो सारों के सारे की क्या होगी, स्कैटरिंग हो गई, सारे जो कलर्स थे वो इधर उधर फैल गए, सिर्फ रेड कलर मेरी आंख तक पहुंचा लास्ट में। बात समझ रहे हो? और ये सेम रीजन सुबह के टाइम भी होता है और शाम के टाइम भी, क्यों इसलिए होता है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए क्या है, अर्थ है, मैं यहां खड़ा हूं, सन जब राइज होगा तो यहां होगा, सन जब सेट होगा तो यहां होगा, और बच्चों एट नून के समय सन कहां होगा, यहां होगा, ठीक है जी, बिल्कुल नाइस एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे, अब देखो ये इसका एनवायरनमेंट है अर्थ का, ठीक है जी, ये अर्थ का एनवायरनमेंट है, मतलब इसके अंदर सब जगह क्या है, यहां पार्टिकल्स है, ठीक है जी। अब जो इनिशियली इन द मॉर्निंग टाइम जो सन निकला, तो इसके अंदर से लाइट चली, जो बाकी इसके कलर थे वो तो स्प्रेड आउट होते चले गए,
स्पिरिट आउट होते चले गए, सिर्फ एक कलर ऐसा था जो मेरी आंख तक पहुंचा, वो कौन सा? रेड। इसीलिए मुझे सूरज सुबह के समय कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। और यही रीजन होता है कि शाम के टाइम भी हमें सन कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। बुक में बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर सुंदर लिखा गया है, वहां से देख करके आराम से लिख लेंगे। हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करना है। और बच्चों जो जब ये देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होगा, दोपहर के समय बच्चों जो सन होता है वो वाइट दिखाई देता है। वाइट सिंपल सा कारण है, ये यहाँ हमारे बिल्कुल पास है, बात समझ रहे हो? अगर जब बिल्कुल पास है तो स्कैटरिंग इससे आने वाले कलर्स की बहुत कम हुई, सारे के सारे कलर एक साथ मिले हुए हैं। और जब सभी के सभी साथ के साथ कलर एक साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो वो व्हाइट कलर बनाते हैं। इसीलिए हमें दोपहर के समय जो सूरज होता है प्यारे बच्चों, वो कैसा दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है ना? तो ये सभी चीजें आपको लिखनी है, अच्छे से फिगर भी बनानी है, ठीक है जी, जैसे भी बुक में दिया होगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई एट नून सन एपियर व्हाइट, ठीक है जी, इसका आंसर भी हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, व्हाई क्लाउड, जो बादल होते हैं, एपियर व्हाइट, ये व्हाइट क्यों दिखाई देता है? ये खुद आप लोगों को करना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है? तो बच्चों यहां आकर के स्कैटरिंग के ऑल कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम ऑल कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है स्कैटरिंग वाला। और यहां से जो बच्चों ह्यूमन आई है ना, वो पता नहीं क्यों हटाया, हटाना नहीं चाहिए था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो लेंस है, लेंस की जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छे से यूज होती है वहाँ, उसके न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ सेकंड जो हमारे पास चैप्टर था, इसमें तो न्यूमेरिकल बनते ही नहीं है, अगर एक आधा बन सकता है तो जो इस इंटेंसिटी है 1/λ4, इस वाले जो है हमारे पास में फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है इस वाले फॉर्मूले से, और तो बनने की कोई चांस है ही नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों स्केटिंग कंप्लीट कीजिए आप लोग, फिर आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे प्यारे बच्चों वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत रोचक शानदार चैप्टर है। बहुत चीज़ें क्लियर होंगी आपको कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर कितने टाइप के होते हैं, अगर रेसिस्टर को हम जोड़ते हैं किस समय उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, कैसे जोड़ें कि रेसिस्टेंस ज़्यादा लगे, और कैसे जोड़ें कि रेसिस्टेंस कम लगे, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों। इसमें फिर हमें यह भी पढ़ना है कि यूनिट जो हम अपने घरों में फाइंड करते हैं कि जब मंथ हो जाता है तो पावर हाउस से बिल आ जाता है कि आपके घर की इतनी यूनिट हो गई, तो वो यूनिट क्या है, वो कैसे निकाली जाती है, कितनी हीट उसमें यूज़ होती है, एक बल्ब में कितनी हीट यूज़ होती है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ खर्च होती है, वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। बहुत शानदार बढ़िया वाला चैप्टर है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा आएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों।